अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी ये सुबह का टाइम था, व्लॉग का आगाज़ मैंने सुबह सुबह ही कर दिया था और अभी मैं सोकर उठी हूँ। अभी बस नाश्ता करते हैं और आज ना थोड़ा अजीब अजीब सा लग रही थी गुड मॉर्निंग ना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ ना वापस, तो इंसान को ना वो थोड़ी न्यू फीलिंग आ रही होती है। घर चेंज होता है तो फीलिंग भी न्यू हो जाती है, क्योंकि अभी जो है ना वो सारा सामान पैक पड़ा हुआ था। मैं रात को जैसे ही आई थी मैंने सामान ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि लेट हो गए थे और फिर मैं थक भी गई थी। मैंने कहा कल सुबह आराम से खोलूँगी, अभी बस कुछ काम वगैरह करने हैं वो काम समेटूँगी और उसके बाद फिर शाम में आराम से सारी चीज़ें वगैरह समेटूँगी। यहाँ पर मेरी नंद की बेटी थी, ये वॉकर में फिर रही थी, अभी ये 1 साल की हुई है माशाल्लाह, सब तो इसकी दूसरी बहन आ गई है। और अभी मैं वही देख रही थी, इतनी ज़्यादा डस्ट हुई हुई थी ना, क्योंकि डस्टिंग हुई तो फर्नीचर पर तो डस्ट आ ही जाती है। वही मैं कही थी अब मैं ज़रा थोड़ा फ्री हो जाऊँगी फिर आराम से डस्टिंग करूँगी। अभी जादू की छड़ी तो है नहीं जो एक मिनट में सारे काम हो जाए, आहिस्ता आहिस्ते ही सारे काम होंगे। यहाँ पे बस मैंने खिड़की जो है वो खोल दी थी, क्योंकि आजकल ना मौसम बहुत अच्छा है, ताकि थोड़ा रूम का टेम्परेचर ना अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद थोड़ा बहुत आराम कर लिया था, फिर दोबारा मैं आ गई थी किचन में। ये 11:45 बजे का टाइम था, बस यहाँ पर मैं खाना बना रही थी। आज खाने में मैं बना रही थी घिया चिकन कह ले या कद्दू चिकन कह ले, जो भी आप लोग कहते हैं, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। अभी मैंने अपनी फूफो से पूछा था कि इसे बनाना कैसे है, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि मसाला भून के इसे बना लेना। और यहाँ पे अभी ये सारे बर्तन वगैरह जो है वो भी वॉश करवाए थे हेल्पर से, तो बस यहाँ पे भी मैं सारे समेट लूँगी। काश इतनी जल्दी बर्तन समेटते होते जितनी जल्दी फास्ट-फॉरवर्ड वीडियो में समेट रहे थे इतनी जल्दी समेट जाते तो क्या ही बात थी। अच्छा, कद्दू चिकन जो है ना मैं फर्स्ट टाइम बनाई थी, क्योंकि मेरे मेके में कभी भी कद्दू चिकन नहीं बना ना। मेरे मेके में एक्चुअली ना चिकन के साथ या कोई भी मीट हो ना उसके साथ सब्जी को कम्बाइन नहीं किया जाता, क्योंकि मेरे घर में इस तरह से कोई खाता नहीं है, लेकिन इधर मेरे इन लॉज में सब इस तरह से खाते हैं, तो इसलिए फिर कद्दू चिकन आज मैं बनाई थी। और साथ ही में मैंने सारा किचन जो है वो साफ़ कर लिया था। साफ़ किचन इतना अच्छा लगता है ना, एकदम से जो है ना वो किचन की ना फीलिंग ही अलग हो जाती है किचन को साफ़ करने के बाद। और बस यहाँ पे मैंने कहा सालन मैंने बना दिया था, और साथ ही मैंने आटा निकालने लगी थी, क्योंकि आटा गूंदना था रोटियाँ बनाने के लिए। अच्छा, पहले हमने आटे का जो टैंक था ना ये अंदर रखा हुआ था किचन एरिया में, लेकिन रास्ता काफ़ी ब्लॉक हो जाता था, तो फिर हमने इसकी जगह चेंज करके जो है इसे बाहर वाले लाउंज एरिया में रख लिया। और वैसे मुझे आटा गूंदना बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम बाद आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि मेरे मेके में ना रोटी नहीं बनती घर में, वहाँ पर ना तंदूर से रोटी आती है, लेकिन इधर मेरी फुप्पो जो वो तंदूर से मंगवा लेती है, लेकिन उनसे खुद ना तंदूर से रोटी खाई नहीं जाती, तंदूर वाली जो रोटी होती है ना वो उनसे खाई नहीं जाती, तो इस वजह से जो है फिर हम लोग घर में ही ज्यादा बनाते हैं। और बस यहाँ पे फूफो और मैंने मिलकर रोटियाँ बना ली थी और रोटियाँ बन गई थी, और चूल्हे को आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि अभी खाना बना है, दूसरे काम भी हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा मेस हो गया है। इस रोटी वाले काम से फ्री हो जाए फिर मैं ये चूल्हा साफ करूंगी। एक चैनल का मैं आपको बताने लगी हूँ, लाइफ विद मुस्कान का चैनल है। सबसे पहले तो इनके चैनल को मैंने सब्सक्राइब कर लिया, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दिया ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अच्छा, लाइफ विद मुस्कान जो है वो अपनी डेली लाइफ स्टाइल की रूटीन जो है वो शेयर करती है। इनके व्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, इनके चैनल पर आपको इनकी लाइफ स्टाइल किस तरह ये रहती है उसका कंटेंट मिल जाएगा। कुछ वीक बाद ये जापान जाने लगी हैं, तो आपको जापान से रिलेटेड कंटेंट भी इनके चैनल पर मिल जाएगा। अगर कोई कहीं मूव करना चाहता है किसी आउट ऑफ कंट्री, तो उसके प्रोसेस के लिए और उस सब के डिटेल्स जो है ये आपको प्रोवाइड कर सकती है, तो इनका चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। दूसरा कंटेंट बहुत अच्छा है इनका, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर इनके चैनल को वॉच करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके चैनल का लिंक दे दूँगी,
और कहने की बात यह है यार कि चैनल को शाउट आउट देने का मकसद ये होता है कि आप लोग इन्हें सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर इंसान ने अपनी एक ज़रूरत के तहत चैनल बनाया होता है। हर इंसान को कोई ना कोई ज़रूरत होती है, तभी वो चैनल पे होता है। तो मुझे इतने लोग देखते हैं, तो लाइफ विद मुस्कान के चैनल पे ऑलरेडी 5000 सब्सक्राइबर हैं। प्लीज़ प्लीज़ इन्हें जाएँ जाके सब्सक्राइब कर लें, तो इनके 1000 सब्सक्राइबर जो है ना वो कम्प्लीट करवा दें। इतने तो लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे कहने पर, तो जाएँ प्लीज़ जाके इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करें। वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग में आपको बहुत ही मज़ेदार सी डिशेस सीखने को मिलेंगी चैनल पे। आपको जो है लाइफस्टाइल के अलावा इनके बहुत अच्छे रेसिपीज भी मिल जाएंगी। इन्होंने रिसेंटली अपने नंद की दावत की है, किसी ने अगर दावत करनी अपनी नंद की तो आप ये रेसिपीज देख सकते हैं, आपके काम आएंगी। अच्छी वीडियो थी काफ़ी ज़्यादा, तो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जाके ज़रूर ज़रूर वॉच करें। आपको इनका कॉन्टेंट बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा कॉन्टेंट है। यहाँ पे जो है वो बस हम सबने खाना खा लिया था, और उसके बाद फिर हम आराम करने के लिए लेट गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, और ये फिर असर के बाद का टाइम था। और यहाँ पे भी मैं पप्पो को अपनी चीज़ें दिखा रही थी, सारा सामान मैंने खोला था, जो जो चीज़ें मैं लेकर आई थी ना वो चीज़ें देख रही थी, और साथ में फिर मैंने कहा चीज़ें समेट लेती हूँ। ये जो है मैट मैं लेकर आई थी अपने रूम के लिए, और मेरा था कि मैं ग्रे कलर में ही लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे अपने रूम के ना टाइल्स के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लाना था, तो इसलिए फिर मैंने ये कलर लिया। और यहाँ पर आप मैस देख सकते हैं, कितना मैस हुआ है। ये सारा सामान था जो मैंने फैलाया है, जो मैं लेकर आई थी, अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता सब समेटूंगी। पहले तो मैंने सारी जो वार्डरोब है वो सेट की थी, और देखने में तो आपको बहुत थोड़ा लगेगा कि जैसे मैंने मिनटों में सारा काम कर लिया, जबकि काम मिनट में नहीं हुआ था। ये कोई इस वक्त 6 बजे, हाँ 6:30 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था, और मुझे रात के 9 बज गए थे सारी चीज़ें समेटते हुए ना। यहाँ पे मैंने सारे वार्डरोब जो है वो सेट की थी, और इन दोनों खानों में जो है वो कपड़े ही कपड़े भर गए हैं, और अब इनमें मज़ीद कपड़े रखने की जगह नहीं है। बस मैं कपड़े लाती रहती हूँ और यहाँ पर सेट करती रहती हूँ। मुझे ना चीज़ें रखी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है पहनने की बजाय, लेकिन आज तक मौसम ठीक हो गया ना, मैं सारे कपड़े पहन लूँगी इंशाल्लाह। मुझसे कोई कहता भी आप इतने ज़्यादा तो कपड़े लेती हैं, बस मुझे अच्छे लगते हैं मैं ले लेती हूँ। ये दूसरी वाले एक कॉर्नर में ना मैंने सारे फैंसी कपड़े रखे हुए थे, मैं वही देख रही थी कि अलमारी में जगह तो ख़त्म हो गई है, क्योंकि अभी सर्दियों के कपड़े भी लाने और रखने हैं, तो मैं वही सोची थी कौन सा कॉर्नर खाली करूँ जहाँ पर मैं जो है चीज़ें रख सकूँ। और ये मैं हैंगर लेकर आई थी अपने हिजाब के लिए ना, और ये बड़ा यूज़फुल हैंगर है, इसके अंदर टोटल 15 आप अपने हिजाब जो है ना वो टांग सकते हैं, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अब अल्लाह करे कि ये पायदारी के साथ ज़्यादा टाइम तक चल जाए। और फाइनली यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें थी जो वो सेट कर ली, और आपके सामने इतना सब कुछ अच्छा लग रहा है ना सारी चीज़ें सेट होकर। अभी ये वाला जो कॉर्नर, इसके लिए मैं कुछ डेकोरेशन पीस लेकर आई हूँ, वो मैं अभी सेट करती हूँ। दूसरा वाला कॉर्नर मैंने वो सेट कर दिया था, और एक ये मेरा अपने रूम का सबसे फेवरेट कॉर्नर है, जो कि एक साइड पर मैंने लोहे कुरानी वाला लैम्प रखा हुआ है, और साथ में ये अपना फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ है। ये वाला जो कॉर्नर है ना मेरा, वो सब में फेवरेट है, इतना प्यारा लगता है। फिर मैं आपको लाइट ऑन करके भी दिखाऊँ ना, ये तब भी बहुत अच्छा लगता है रखी हुई चीज़ें इस पर। अभी मैं सारे रूम की सेटिंग करके फ्री हुई हूँ, सारी वार्डरोब सेट की मैंने, ड्रेसिंग साफ़ किया, सब कुछ साफ़ किया, लेकिन अभी भी शीशा गंदा है क्योंकि डस्टिंग मैंने नहीं की, हर जगह मिट्टी मिट्टी है। मेरी हिम्मत टूट गई, मैं शाम के 7 बजे से लगी हुई हूँ और इस वक्त रात के 10:30 बज रहे हैं, और मुझे इतना टाइम लग गया चीज़ें समेटते समेटते। अब जो डस्टिंग है वो मैं कल करूँगी, और
अब तो फिलहाल कुछ करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे सारे फर्नीचर को साफ करने में इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह है ना, तो वो ज़्यादा ही टाइम लगेगा, इसलिए कल साफ़ करेंगे। अब मैं बहुत थक गई हूँ कभी कभी इतने ज़्यादा सामान और काम मैंने सेट नहीं किया ना, क्योंकि इंसान की जब शादी होती है ना तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। वो तो घर में होते थे तो अम्मी ने भी कर दिया, और इतने ज़्यादा सामान कहीं ना लेकर जाते थे ना आते थे। अब मैं पूरा महीना मेके से रहकर आती हूँ तो सामान ज़्यादा हो जाता है, फिर आती हूँ तो हस्बैंड की अलमारी भी सेट करने वाली होती है, क्योंकि तो इसलिए जो है काम बढ़ जाते हैं शादी के बाद, मुझे ऐसा लगता है। पीछे का शोर आप लोगों ने इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरी नंदों के बच्चे हैं जो शोर कर रहे हैं, वो बड़ी नंद के बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो छोटी नंद है उनका तो मैंने आपको बताया था कि उनका छिल्ले वाला पीरियड चल रहा है, तो वो इस वजह से उनकी बच्ची रो रही होगी शायद, तो इसलिए पीछे शोर आ रहा होगा वरना हमारे घर में बड़ी खामोशी होती है, लेकिन आजकल थोड़ा बहुत शोर है।